मातृ उद्योग कहे जाने वाली एचएससी के अधिकारियों की और कर्मचारियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। आपको बता दें कि इनकी 15 माह का वेतन और कर्मचारियों का 21 माह का वेतन बकाया है, जिसको लेकर लगातार वे 100 दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं। वहीं प्रबंधन की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने के वजह से एचएससी के कर्मचारियों का भविष्य अधर में दिख रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले दोनों सदनों में मातृ उद्योग को बचाने को लेकर आवाज उठाई गई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय न आने से कर्मचारियों का धरना अब भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि एचएससी के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सभी घटक दलों के पदाधिकारी एवं अधिकारियों के एक दल ने रांची सांसद संजय सेठ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय जायसवाल के नेतृत्व में मंगलवार को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ के साथ उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर एचएससी के ज्वलंत समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिस पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि एचएससी को चलाने को लेकर वो गंभीर हैं और क्या किया जा सकता है इस पर वो कार्य कर रहे हैं। वहीं कंपनी के भविष्य के संबंध में रिपोर्ट पीएमओ को भी भेजा जा चुका है। उनका कहना है कि नेपा का पुनरुत्थान हमने किया है और एचएससी का भी पुनरुत्थान हम ही करेंगे। हालांकि इसको लेकर एचएससी के लिए भी रास्ता तलाश किया जा रहा है, ये भी उनका कहना था। साथ ही इसको लेकर बुधवार को एक अहम बैठक की जाएगी, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। वहीं दिल्ली में एचएससी अधिकारियों के प्रतिनिधि प्रेम शंकर पासवान, पुनेंदु दत्त मिश्रा, आर के नायक, सुभाष चंद्रा एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के घटक दलों प्रतिनिधि रामाशंकर प्रसाद, विकास तिवारी, जीतू लोहरा, सुनील कुमार, लीलाधर सिंह समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। ये मिलन कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज विंग के लिए रांची से अंजना सिंह की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए